हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। ये चाय बन गई है हमारी, अदिति ने चाय बनाई है। सारे बैठ के चाय पी रहे हैं, बच्चे अभी उठे नहीं हैं, सो रहे हैं। उठते ही चोकोज मांगेंगे, उनको भूख लगी होती है। उनका भी दूध गर्म करके रख देते हैं ताकि उठते एकदम शोर ना मचाए। हम आराम से गप्पे मारने लग रहे हैं मेरे चाय के साथ। टाइम इतना मिलता नहीं, फिर बहुत अच्छा लगता है। काम तो होता रहेगा, क्या जल्दी लग रही है, सबकी छुट्टी है। सर तो जाएंगे, सर तो 9:30 बजे ऑफिस जाना होता है। बना लेंगे, आराम से कर लेंगे, आराम से चाय पियेंगे सारे इकट्ठे बैठकर। वैसे बच्चे कम पीते हैं, कपड़ों भी कम चाय पीता है, लेकिन जो घर में आता है तो इसको डस्ट हो जाता है, यहाँ इधर आता है तो गले में खराश खांसी ऐसे जुकाम सा हो जाता है। चाय ले लेता है फिर ये यहाँ पर आने के बाद। वैसे डेली नहीं पीता, कभी कभी सैटरडे संडे कभी कभी ही पीता है। उठ गया है लगता है, अद्दू भी उठ गया है, आया है अभी, पेपर लेकर आया है दादाजी के लिए। आरो तो मुझे नहीं लगता अभी उठा होगा। आरो तो उठ जाएगा तो एकदम खूब शोर मचाएगा, शोर मचाना शुरू कर देता है। प्लानिंग बना रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज दिन में क्या प्रोग्राम रहेगा। आज तो मैं भी चाय के साथ बच्चों के साथ नमकीन वगैरह खा रही हूँ, नहीं तो कभी भी नहीं खाती मैं। सुबह सुबह हम दोनों ही खाली ही चाय पीते हैं, नहीं पी जाती। तो कल गए थे हम, उसी पर डिस्कस कर रहे हैं, कितना थक गए थे हम सारा दिन सफ़र करते करते, शाम तक पहुँचे हैं। तो अब कह रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बच्चों के हिसाब से ही जहाँ बच्चे कहेंगे प्लानिंग बना रहे हैं कैसा रहेगा दिन। और बच्चे चले गए हैं फ्रेंड्स गौशाला, सर ले गए हैं सबको, अदिति कपलू दोनों बच्चे। हम तो जाते ही रहते हैं, मैं तो जाते ही रहती हूँ, हर संडे को जाते ही रहते हैं हम। तो बच्चों को भी लेकर गए हैं कि चलो अपने हाथ से चारा डाल देना। मैंने सोचा कि तब तक मैं सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। एकदम से बच्चे आते ही, वह तो ये चोकोस खा कर गए थे, लेकिन जल्दी जल्दी भूख लगाती है बच्चों को, तो इसलिए हमेशा रेडी करके रखना होता है। सर आ जाएंगे, सर का भी ऑफिस का टाइम हो जाएगा फिर। मैं सर तुम जाओ करे वम आप भी चलो, मैंने कहा नहीं, अगर सारे चले गए तो हमारा काम रह जाएगा। बच्चे शोर मचाते हैं आते ही एकदम से खाने के लिए। और अब तो अंजू भी आने वाली है काम के लिए, मैं सफाई करवाऊँगी, बेटे तुम चले जाओ और पापा चले जाएंगे तुम्हारे साथ। बच्चों को अच्छा लगता है कभी कभी ले जाओ, उनको भी पता चलता है। ये फ्रेंड्स मेरे और आरव के बीच में कंपटीशन है कैरम बोर्ड का, देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है। आरव की देखो, सो मेनी पॉइंट्स एंड दादी जी है जीरो। जीरो, ये तो हराएगा मुझे आज, वो जगह भी नहीं है, मैं कहां से मारूं। चलो यहाँ से ले रख सकती बेटा, चलो अगेन। क्योंकि मार जगह नहीं है ना बेटा, चलो। आरव जीत गया, मेरे साथ मैच होगा, साथ ओके चलो हैंडशेक। मैं हार गई, आरव जीत गया। अब दादू के साथ कंपटीशन नहीं का, तू पट्टी थे फाउल। नो ओ या, ये फाउल है सारे। नो हाउ, ये फाउल है, इस पे रखा है, आप यहाँ मार सकते हो। ठीक है दादू जी। अब कौन सी क्लास में सर गई तुम? 8th में। 8th में इतनी छोटी? कमाल है तेरे से, तो जो है ना पहले दूसरे में आ करते हमारे टाइम में। वैसे मेरे को लगता है तू पढ़ती बहुत ज्यादा है, इतनी मेहनत क्यों करती है? अच्छा तेरे फर्स्ट आई थी सेकंड आई थी? थर्ड। चलो कोई बात नहीं, टॉप में है ना, तो तेरे को कौन सी सीट मिलती है, सबसे आगे वाली मिलती है? और जो सबसे कम नंबर वाला है तेरी क्लास में ही है? हाँ जी। वो कैसे हो गए, फिर फायदा क्या हुआ तेरे को ज्यादा, मतलब इतनी मेहनत करने का, जब सबने उसी क्लास में बैठना है तो फिर मतलब ये मेरे समझ नहीं आया थ्योरी क्या है।
मैं तो इसी पे चलता आ रहा हूँ, मेरी 12th हो गया, मैं कॉलेज में मतलब की पढ़ाई ना करना हाँ। अरे मैं बगैर पढ़े कॉलेज में चला गया। दम तो है ना अनु की बात में, दम है अन्याय लगता है ये कि सेम बच्चे जो पढ़ने वाले और जो पुत्र है वो दोनों सारे साल कुछ नहीं करना और वो भी उसी क्लास में उसी बेंच पे बैठे हैं और तू जो लगे रहे सारे दिन कुछ काम नहीं करना घर का, पढ़ाई टाइम लग रही है। ये मैम से पूछनी पड़ेगी वाली बात, पूछ रहे थे परेशान है वो, ठीक है चलो कल पूछ के बताना मेरे को पक्का है। अरे कहीं मैं भी जैसे थप्पड़ मार रहा हूँ तो यही सलाह देगी तू मेरे को भी बताएगी जवाब तो वहाँ खाले यहाँ तेरे तो अन्याय लगना है। And I download InShot. Then I was seeing a video in InShot, and I was intelligent. I know everything, and the video became very beautiful. And you know what? Then me, because God helped me to make me intelligent. That's why. आरव बता रहा है कि मुझे नहीं पता मैं इतना इंटेलिजेंट क्यों। हाँ यस आरव रियली या यू आर वेरी इंटेलिजेंट। थैंक्स गॉड, गॉड का थैंक्स बोलो। थैंक्स गॉड, हाँ थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना इंटेलिजेंट बनाया। चलो फ्रेंड्स आज के व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। बाय 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 आरव साइचियन में। ये इसका मतलब क्या है बेटा? इस चाइनीज़। चाइनीज़ है? बाय 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 एंड सी यू अगेन साइचियन। अच्छा चाइनीज़ में बाय बाय बोल रहा है फ्रेंड्स आपको ये। चाइनीज़ सीखता है लैंग्वेज। या है रहा। चलो के फ्रेंड्स बाय।